अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि वाओ ऐप में जो प्रोफाइल है उसको 100% कैसे कंप्लीट किया जाता है, और वाओ ऐप लिंक जो है वो क्या चीज़ है, और उसके बाद जो आपके अकाउंट की विजिबिलिटी है उसको कैसे हाइड या शो किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो तीन लाइनें नज़र आ रही होंगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल पेज लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ इस किस्म का एक मेनू जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर है वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, उसके अलावा जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल पेज लिंक नज़र आएगा। फ्रेंड, ये जो पर्सनल पेज लिंक है आप सोशल मीडिया के ज़रिए इसको शेयर कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करके लोग आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे अगर रेड कलर में नो नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको यस में लेके आना है। तो जब यस होगा तो ये ग्रीन कलर में होगा। ये आपके अकाउंट की विजिबिलिटी है जिसकी वजह से लोग आपको ज्वाइन करते हैं। अगर ये नो पे होगा तो फिर आपका जो अकाउंट है वो विजिबल नहीं होगा। उसके बाद आप एडिट के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ नज़र आएगा माटो। तो माटो में आपने कोई भी जो अच्छी मतलब बातें हैं वो लिख देनी है, जो कम से कम 100 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो। और इसके बाद जो आपका पर्सनल पेज लिंक है इसको आपने नहीं छेड़ना, और ना ही ये आप यहाँ पे एडिट इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा आप इसको नीचे डाउन की तरफ करेंगे तो आपको जो विजिबिलिटी है अकाउंट की यस एंड नो वाली, इसको भी आपने यस के ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यूज़र नेम जो है वो अपना लिखना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम जो है वो लिखना होगा, उसके बाद लास्ट नेम जो है वो टाइप करना होगा, और उसके बाद आपने अपनी जो बर्थडे है वो लिखनी होगी। यहाँ बर्थडे से नीचे उसकी सेटिंग में मौजूद है कि अगर आप दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, या सबको दिखाना चाहते हैं, वो आप जैसे चाहें वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसी तरह इसके साथ सेटिंग है कि आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, या फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो सिटी है वो टाइप करेंगे, उसके बाद कंट्री जो है वो टाइप करेंगे, और उसके बाद आपने जो इसकी सेटिंग्स हैं कि पब्लिक है, प्राइवेट है, फ्रेंड, जैसे आप इसको रखना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने जो है लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद आपने जो है उसकी सेटिंग भी सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अबाउट मी नज़र आएगा, तो आप अपने बारे में यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपने सबको दिखाना है, प्राइवेट में रखना है, या फ्रेंड्स को दिखाना है। इसके अलावा जो आपके अवार्ड्स हैं या जो आपका नेटवर्क है वो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, या अपने तक में दूर रखना चाहते हैं, या फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ पब्लिक और फ्रेंड्स जो है वो शो कर रहा है, तो आप पब्लिक या फ्रेंड्स जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो है आपकी वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, तो यहाँ पर आप अपना जो ईमेल है वो भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने दो मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके बाद नीचे आपको वेबसाइट नज़र आएगा, तो आप वो ऐप से रिलेटेड कोई भी एक अच्छा सा मैसेज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कम्प्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।